दोस्तों, मैं मोहम्मद सरफराज, मेरे YouTube चैनल e-learning with दुर्गेश में आपका स्वागत है। चलिए, एक छोटा सा ये वीडियो होगा जिसे बहुत महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताऊंगा। भारत में कुल 29 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं और कुछ राज्य, कुछ देश भारत के पड़ोसी देश हैं। इसमें हम भारत के पड़ोसी देश, भारत के राज्यों और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी पे चर्चा करेंगे। वर्तमान समय परीक्षा में आपको क्रम बना के दे देगा, इधर राज्यों के नाम, इधर राजधानियों के नाम, इसमें आपको पूर्ण मिलाना होता है। ये बहुत सरल प्रश्न होता है, लेकिन अगर आपको एक दो नहीं आता तो वो आपका प्रश्न गलत हो जाता है। चलिए देखते हैं किस राज्यों की राजधानी क्या है, मतलब कौन से राज्य की राजधानी क्या है। देखिए, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। ठीक उसके नीचे पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। ठीक उसके नीचे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, राजस्थान की राजधानी जयपुर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश नीचे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुंबई जो 67 द्वीप पे स्थित है। महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक है जिसकी राजधानी बेंगलोर, बेंगलुरु। इसके उत्तर में तेलंगाना है जिसकी राजधानी अभी तो हैदराबाद है, इसकी राजधानी हैदराबाद है। इसके नीचे आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी भी हैदराबाद है, लेकिन अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित है। आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु है जिसकी राजधानी चेन्नई है। आंध्र प्रदेश के पश्चिम में केरल है जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। हम ऊपर चलते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, लेकिन इसका नाम बदल के अटल नगर रखने की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ के बगल में झारखंड है, झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के उत्तर में बिहार जिसकी राजधानी पटना है, पटना के पश्चिम, बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है जिसकी राजधानी कोलकाता है, कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। अगले चलेंगे हम सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। यह जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी राजधानियां बहुत कम याद होती है, लेकिन इसको याद करना बहुत ही जरूरी है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, असम की राजधानी दिसपुर, मेघालय का शिलांग, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, त्रिपुरा का अगरतला, मिजोरम का आइजोल, बाकी इन दो राज्यों नागालैंड और मणिपुर, इन दो राज्यों के राजधानी का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब हम देखते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां। दिल्ली भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी नई दिल्ली। चंडीगढ़ भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ खुद है। दमन दीव जो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पे है, इसकी राजधानी दमन है। दादर नगर हवेली जो अरब सागर के कच्छ में स्थित है, इसकी राजधानी सिलवासा है। ठीक हम नीचे आ जाएंगे केरल के पास, इसके पश्चिम में लक्षद्वीप है जिसकी राजधानी कवरत्ती है, यह एक प्रवाल द्वीप है। इसके आगे बढ़ेंगे हम पुडुचेरी जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, 4 जिले इसके हैं, इसकी राजधानी पुडुचेरी खुद है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कब पोर्ट ब्लेयर है। अब हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश और उसकी राजधानी। भारत का पड़ोसी देश पश्चिम में देखेंगे तो पाकिस्तान है जिसकी राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान के उत्तर में अगर हम देखते हैं तो अफगानिस्तान है जिसकी राजधानी काबुल है। हम भारत के उत्तर में देखेंगे तो चीन है, चीन की राजधानी बीजिंग है। भारत के उत्तर और पूर्व में नेपाल और भूटान है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, भूटान की राजधानी थिम्पू है। थिम्पू के जो राजा जो किंग होता है उसे ड्यूक ग्यालपो या सर्पराज कहते हैं। आगे हम देखेंगे तो म्यांमार है, म्यांमार की वर्तमान राजधानी वर्मा नहीं है, म्यांमार की राजधानी नाय पी थाव है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। हम देखते हैं दक्षिण में श्रीलंका एक ऐसा देश है जो भारत के साथ स्थलीय सीमा नहीं बनाता है, यह भारत के साथ जलीय सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी कोलंबो या श्री महिला जयवर्धनेपुरा है। लक्षद्वीप के दक्षिण में एक देश मालदीव है जिसकी राजधानी माले है। अब हम देखेंगे भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो तटवर्ती राज्य हैं, उनकी कुल लंबाई कितनी है। यह एक छोटा वीडियो है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत में कुल तटों की लंबाई, भारत की अगर मुख्य भूमि की हम बात करें तो कुल तटों की लंबाई 6100 किलोमीटर है।
6100 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्य तटीय राज्य हैं जिनकी कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। इन राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। यह 9 राज्य भारत के तटीय राज्य हैं जो जलीय सीमा स्पर्श करते हैं। इनकी कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। यदि हम राज्यों के साथ द्वीपों अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को भी साथ में ले लेते हैं तो इनकी कुल लंबाई हो जाएगी 7516 किलोमीटर। अर्थात भारत की कुल तटीय लंबाई 7516 किलोमीटर है और भारत के मुख्य भूमि की जो तटीय लंबाई है वह 6100 किलोमीटर है। अब इसी प्रकार भारत के देखिए जो तटीय लंबाई है वह यहां शुरू होता है गुजरात से, ऐसे होते हुए पूरा दक्षिण में, फिर ऊपर होते हुए देखिए यहां तक, ये पश्चिम बंगाल तक। ये जो ब्लू डॉट से किया गया है ये भारत के कुल जलीय अर्थात तटीय राज्य हैं जिनकी कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगर इसमें हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ देते हैं तो इनकी लंबाई 7516 किलोमीटर हो जाती है। अब भारत की स्थलीय सीमा जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान इन राज्यों से होके जाती है इस प्रकार। देखिए यहां से जो ये रेड टिक है, देखिए यहां तक ये इनकी जो कुल लंबाई है वह है 15200 किलोमीटर। असली सीमा भारत की 15200 किलोमीटर है। अगर हम राज्यों गिनेंगे तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये इतने राज्य हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं जिनकी कुल लंबाई 15200 किलोमीटर है। चलिए मैथ से कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो केवल 2 राज्यों के साथ या 2 प्रदेशों के साथ सीमा बनाते हैं। भारत की कुल कैसे कितने ऐसे राज्य हैं जो 3 प्रदेशों के साथ सीमा बनाते हैं और कितने ऐसे राज्य हैं जो केवल 1 राज्य के साथ सीमा बनाता है। तो सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जो केवल पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है और मेघालय एक ऐसा राज्य है या प्रदेश है जो केवल 1 प्रदेश का सीमा बनाता है वह असम के साथ। इसी प्रकार देखते हैं तो केरल एक ऐसा राज्य है जो केवल 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, कर्नाटक और तमिलनाडु। आप कमेंट बॉक्स में बताइए भारत के कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो 1 राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं और 3 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो इसका उत्तर होगा अपना उत्तर प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा प्रदेश या राज्य है जो कुल 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित राज्य के साथ सीमा बनाता है। देखिए उत्तर प्रदेश यहां पे मैं यहां पे लिख रहा हूं, उत्तर प्रदेश, उत्तर में उत्तराखंड, उसके बाद उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद हरियाणा के साथ सीमा बनाता है, हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, राजस्थान के राजस्थान उत्तर प्रदेश केवल 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की जो सीमा बनती है वह केवल 2 जिलों से बनती है। उन 2 जिलों के नाम आप उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हरियाणा के बाद हो गया आपका राजस्थान, राजस्थान में प्रसिद्ध हवा महल है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश बनाती है और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश बनाती है। उत्तर मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद बिहार, झारखंड बिहार राज्य से ही अलग हुआ है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह 8 राज्य जो उत्तर प्रदेश का सीमा बनाते हैं, सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ बनती है
और एक राज्य जो है वह दिल्ली जो केंद्र शासित राज्य है। कुल मिला के 9 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश सीमा बनाती है। यदि एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि भारत कुल कितने राज्यों के साथ, कुल अगर लग जाता है तो 9 राज्य हो जाएगा, यदि कितने राज्यों का सीमा बनाती है तो होगा 8। ये हो गए बहुत इंपॉर्टेंट छोटा वीडियो आपके लिए। थैंक यू। जय हिंद।